नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के वाराणसी से, जहां चलती ऑटो में भीषण आग लग गई। कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर फ्लाईओवर पर चलती ऑटो में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यह आग लगी हुई है। मौके पर सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची है और आग इतनी भयावह थी कि उस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये गनीमत रही। लेकिन आप तस्वीरें जरा गौर फरमाएं कि किस तरह से ये वाराणसी के सिगरा पुलिस वहां पहुंची है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर फ्लाईओवर पर चलती ऑटो में लगी है भीषण आग। वाराणसी में चलती ऑटो में भीषण आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। आप तस्वीरें देख रहे हैं यूपी के वाराणसी से। देखें आप ये पूरा वीडियो। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। हाँ सर, हम लोहता के रहने वाले हैं। क्या नाम पड़ेगा? अकरम अंसारी। अकरम जी, क्या करते हैं आप? ये सर 2011 में ये ऑटो फाइनेंस करवाए थे जी। तो इसका किस्त रू सब भरा गया था जी। तो वही चला रहे थे और एक ही गाड़ी था हमारा, रोजी रोटी यही है और कोई अब कमाने वाले भी सर कोई नहीं है, अकेले। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे थे आप? लोहता जा रहे थे। लोहता जा रहे थे, सवारी बैठी थी इसमें जी। गाड़ी नंबर क्या था? UP 65 BT 5276। कितने लोग थे मुझे पर? दो लेडीज था, एक जेंट्स थे। उन लोग कहाँ गए? वो लोग भाग गए, चले गए। अच्छा। मतलब कोई हादसा नहीं हुआ, वो लोग चले गए। आपके परिवार में कौन कौन है? दो बच्चे हैं और हम लोग टोटल चार लोग हैं। ये सहारा आपका जी। आग कैसे लगी? मालूम नहीं सर, ऑटोमेटिक लग गई आग। अब राउंड शॉट जा रहे थे? राउंड शॉट नहीं, वो घबराहट में जब आग लगी ना तो सवारी हमको घबरा कर कहा भैया हमको इधर जाना है, गाड़ी घुमा करके, घबराहट में गाड़ी इधर घुमा करके लोहता जा रहे थे। पुलिस मौके पे आई जी, आई। अब क्या सर, पूरा तो कहानी ख़त्म हो गया उसके बाद। अच्छा,